हेगाज दिस इज कपिल का दिन वेलकम बैक टू वंस एगेन तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर फॉर योर बोर्ड एग्जाम तो चैप्टर सेकेंड एसिड्स बेस एंड सोर्ट्स के वो सभी क्वेश्चन कराएंगे जो आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे तो वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहिए और जो भी स्टूडेंट्स मेरे साथ फर्स्ट टाइम जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए तो हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है वाइज सुड कार्ड एंड शोर सब्सटांस नॉट कैप्टे ब्रास एंड कॉपर यूटेंशियल कि जो हमारे पास खट्टे सब्स्टांस होते हैं बेसिकली उनको हम कैप्ट नहीं कर सकते किसके अंदर ब्रास एंड कॉपर यूटेंशियल के अंदर तो इसका आंसर क्या राइट डाउन करोगे आप कि द कार्ड एंड ए सोर सब्सटांस कंटेन सम एसिड इन दैम तो इसमें बेसिकली क्या होता है कुछ एसिड्स प्रजेंट करता है इन सब्सटांस के अंदर कि कॉपर एंड ब्रास रिएक्ट विद दीज एसिड जब कॉपर और हमारे पास बेसिकली ब्रास है जो रिएक्ट करेगा किसके साथ इस एसिड्स के साथ फॉर्म इज ए सर्टेन सॉल्ट वो फॉर्मेशन किसकी देगा कुछ सोल्ट्स की अब वो जो सोल्ट होंगे बेसिकली दे आर ए पॉइजनस इन नेचर जो वो पॉइजनस नेचर में होंगे तो हमारे लिए क्या होंगे बेसिकली हार्मफुल होंगे तो देर फॉर कार्ड एंड ए सोर सब्सटांस शुड नॉट बी इन ए ब्रास एंड ए कॉपर यूटेंशियल तो इजी सा क्वेश्चन था बेसिकली काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स के लिए सेकेंड क्वेश्चन हमारे पास कि वाई डू एक्वाज सोल्यूशन ऑफ ए एच सी एल एच एन ओ थ्री एच टू एस ओ फोर एक्ट एज ए एसिडिक करेक्टर वाई दोज ऑफ द कंपाउंड लाइक इज ए इथाइल एल्कोहल एंड ग्लूकोज डू नॉट वोज ए एसिडिक करेक्टर अब देखिए बेसिकली बच्चों हमारे पास ये तीन एसिड्स यहाँ प्रेजेंट कर रहे हैं तीनों के तीनों हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड नाइट्रिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड अब बेसिकली यदि हम इनको एक्वस सोल्यूशन की फॉर्म में लेते हैं तो ये एच पॉजिटिव आइंस की फॉर्मेशन देंगे एच पॉजिटिव आइंस की फॉर्मेशन का मतलब एसिडिक करैक्टर को शो करेंगे यदि बात करें हमारे पास इथेनॉल या ग्लोकोज की बात करें तो बेसिकली ये क्या करते हैं एच पॉजिटिव आइंस की फॉर्मेशन नहीं देते बट इनके पास ऑलरेडी हाइड्रोजन है पर फिर भी ये एच पॉजिटिव आइंस की फॉर्मेशन नहीं देंगे तो इट मीनस क्या करेंगे एसिडिक करेक्टर को शो नहीं करेंगे तो आंसर देखिए इसका कि दीज एसिड लिस्टेड लिस्टेडो दी हैव एबो है हाइड्रोजन तो इनके पास बेसिकली क्या है आयोनाइेबल हाइड्रोजन है विच रिलीज एच पॉजिटिव आयंस इन दस सोल्यूशन तो वो किसको रिलीज करेंगे एच पॉजिटिव आयंस को एक्वा सोल्यूशन के अंदर से एंड देयर फॉर दीज सबस्टांस सोज़ ए एसिडिक करैक्टर तो इसलिए ये वाले जो सब्सटांस हमारे पास किसको शो कर रहे हैं यहाँ पर एसिडिक करेक्टर को हावेवर हमारे पास इथाइल एल्कोहल एंड ग्लूकोज हैव हाइड्रोजन इनके पास हाइड्रोजन है बट इट इज नॉट रिलीज एच पॉजिटिव आइंस इन दी एक्वाज सोल्यूशन बट ये रिलीज़ नहीं करेंगे किसको एच पॉजिटिव आइंस को एक्वाज सोल्यूशंस के अंदर कि देर फॉर दिज सबस्टांस डो नॉट सोज ए एसिडिक करैक्टर तो ये हमारे पास सेकेंड क्वेश्चन था थर्ड क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है बेसिकली कि वाई डज ड्राई एच सी एल गैस नॉट चेंज द कलर ऑफ ए ड्राई लिटमस पेपर अब इस केस में देखिए किसकी बात हो रही है यहाँ पर ड्राई एच सी एल गैस की बात हो रही है, है। इट मीन्स जब ड्राई की बात है तो ये एच पॉजिटिव आइंस की फॉर्मेशन नहीं देगी तो जब एच पॉजिटिव आइंस की फॉर्मेशन नहीं देगी तो बच्चों इस केस में जो कलर है हमारे पास लिटमस पेपर का वो भी चेंज नहीं होगा तो आंसर क्या लिखोगे ड्राई हाइड्रोजन क्लोराइड गैस डज नॉट चेंज द कलर ऑफ ए ड्राई लिटमस पेपर बिकॉज इट इज़ नॉट एबल टू रिलीज एच पॉजिटिव आइंस इन द ड्राई स्टेट तो ड्राई स्टेट के अंदर एच पॉजिटिव आइंस की रिलीज नहीं होगा यहाँ से इसकी फॉर्मेशन नहीं होगी इट मीन्स जो कलर है बेसिकली वो भी चेंज नहीं होगा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर फोर ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि हाउ इज़ द कंसनट्रेशन ऑफ ए हाइड्रोक्साइड आइंस हाइड्रोक्साइड आइंस हमारे पास हो एच नेगेटिव आइंस इफेक्टेड वैन एक्सेस ऑफ ए बेस इज डिजोल्व इन दोल्यूशन ऑफ ए सोडियम हाइड्रोक्साइड अब इस केस में देखिए बेसिकली बच्चों किसकी बात कर रहे हैं कंसंट्रेशन ऑफ ए हाइड्रोक्साइड आइंस ये ओ एच नेगेटिव आइंस की बात हो रही है इफेक्टेड वैन एक्सेस ऑफ ए बेस जब हम एक्सेस क्या लेके चलते हैं बेस इज डिजोल्व इन ए सोल्यूशन ऑफ ए सोडियम हाइड्रोक्साइड तो उसका आंसर क्या दोगे कि ऑन डिजोल्विंग एक्सेस ऑफ ए बेस इन ए सोल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड द कंसनट्रेशन ऑफ ए हाइड्रोक्साइड आय ओएच विल बी इंक्रीज तो ओ एच की जो हमारे पास कंसनट्रेशन है वो क्या हो जाएगी इस केस के अंदर इंक्रीज हो जाएगी क्वेश्चन नंबर फाइव है जो ये काफ़ी बार बोर्ड एग्जाम्स में ऑलरेडी आ चुका है वट विल हैपन इफ़ द सोल्यूशन ऑफ ए सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट हीज हीटेड कि क्या होगा जब हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हीट करते हैं गिवेन एग्जाम्पल ऑफ द रिएक्शन इन वॉल्ड तो आपने एग्जाम्पल बताना है बेसिकली इसके अंदर तो इसका आंसर क्या डाउन करोगे आप कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट उसका फार्मूला हमारे पास है एन ऑन हीटिंग डी टू गिव ए किसकी फॉर्मेशन देगा ये सोडियम कार्बोनेट ये हमारे पास जैसे ही आपने सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हीट किया ये इसको हम सोडियम बाई कार्बोनेट भी कहते हैं तो हमारे पास क्या बन गया है बेसिकली बच्चों सोडियम कार्बोनेट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल तो सिंपल सा था ये हमारे पास इक्वेशन रहेगी और ये हम इसको लिख सकते हैं इस रिएक्शन के अकॉर्डिंग कि सोडियम कार्बोनेट हीटिंग डी टू गिव ए सोडियम कार्बोनेट कार्बन डाइऑक्साइड एंड ए वाटर नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर सिक्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी ऑलरेडी कि आइडेंटिफाई द एसिड आपने आइडेंटिफाई करना है बेसिकली किसको एसिड्स को एंड द बेस फ्रॉम विच एज सोडियम क्लोराइड इज ऑबटेन्ड कि वट टाइप ऑफ ए सॉल्ट इज इट एंड व्हेन इट इज कॉल्ड इज ए रॉक सॉल्ट तो इसको रॉक सॉल्ट क्यों कहते हैं हाउ इज ए रॉक सॉल्ट फॉर्म्ड और कैसे रॉक सॉल्ट की फॉर्मेशन आती है अब इस केस में आंसर देखिए इसका जो एसिड है हमारे पास एच बेस क्या होगा हमारे पास एन जब एच सी एल और हमारे पास दिस इज ए स्ट्रोंग एसिड दिस इज ए स्ट्रोंग बेस जब इनकी रिएक्शन होती है तो हमारे पास क्या बनता है कॉमन सॉल्ट एन एच सी एल एक्वस फॉर्म के अंदर प्लस क्या निकलेगा लिक्विड फॉर्म में वाटर अब इसको हम बेसिकली क्या बोलते हैं दिस इज ए न्यूट्रल सॉल्ट एंड इट इज कॉल्ड इज ए रॉक साल्ट इसको रॉक साल्ट कब बोलेंगे कि बिकॉज इट इज ए फाउंड इन द फॉर्म ऑफ ए रॉक्स जब ये किसकी फॉर्म में पाया जाएगा बेसिकली रॉक्स की फॉर्म में पाया जाएगा अब इसका एक पॉइंट और लिख सकते हैं आप बेसिकली इट इज़ फॉर्म्ड बाय दी स्लो ई ऑफ ए सी वाटर देखो बच्चों इसको हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी कहते हैं न्यूट्रल फॉर्म में आया हमारे पास न्यूट्रल सोल्ट है कॉमन सोल्ट बोलते हैं रॉक सोल्ट बोलेंगे अब क्यों बोलेंगे जब ये रॉक्स की फॉर्म में पाया जाएगा और इसके अंदर क्या होता है बेसिकली स्लो ई होती है किसकी सी वॉर की नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर सेवन दिस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और काफी इंपॉर्टेंट ऐसे ऐसे क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे जाते हैं हाउ इज़ ए सोडियम हाइड्रोक्साइड सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला एन यू एच मैन्युफैक्चरर्ड इन ए इंडस्ट्रीज नेम द प्रोसेस इन दिस प्रोसेस ऑफ ए गैस एक्स कौन सी गैस की फॉर्मेशन आएगी यहाँ पर एक्स की इज फॉर्म एज ए बाय प्रोडक्ट वो किसकी फॉर्मेशन में निकलेगी बाई प्रोडक्ट के रूप में कि दिस गैस रिएक्ट विद ए जब ये गैस फर्दर किसके साथ रिएक्ट कर रही है लाइव वाटर के साथ टू गिव ए कम्पाउंड ऑफ ए वाई कि विच इज़ यूज एज ए ब्लीचिंग एजेंट उसको कहाँ यूज करेंगे बेसिकली हम ब्लीचिंग एजेंट के रूप में इन ए केमिकल इंडस्ट्रीज आइडेंटिफाई एक्स एंड वाइट राइट द केमिकल इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन इनवॉल्ड आपने क्या लिखना है यहाँ पर केमिकल रिएक्शन लिखनी है बेसिकली आप क्वेश्चन को पहले अंडरस्टूड कीजिए सिंपल सा है कि हाउ इज़ द सोडियम हाइड्रोक्साइड इज मैनुफैक्चरर्ड कि सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसे बनता है तो ये हमारा सोल्ट फॉर्मेशन है जिसको हम क्लोर एल्कली प्रोसेस कहते हैं अब आंसर देखिए इसका सोडियम हाइड्रोक्साइड इज ऑपटेन बाय द इलेक्ट्रोलिस ऑफ ए ब्राइन अब ब्राइन बेसिकली क्या होता है एक्वस फॉर्म ऑफ ए सोडियम क्लोराइड उसको हम ब्राइन कहते हैं अब हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसे बना जब हम क्या लेके चले एक्वस फॉर्म ऑफ एन ए सी एल प्लस वाटर मॉलिक्यूल लिया इसमें से इलेक्ट्रिक करंट को पास कर दिया आपने तो हमारे पास एन ए ओ एच बनेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसको हम बेसिकली कास्टिक सोडा कहते हैं प्लस हाइड्रोजन निकले गैस निकलेगी प्लस कौन सी गैस निकलेगी हमारे पास क्लोरीन गैस अब इस प्रोसेस का नाम हमारे पास क्लोर एल्कली प्रोसेस क्लोर क्यों कहते हैं बिकॉज दिस इज ए क्लोरीन गैस फॉर्म एल्कली क्यों कहते हैं हमारे पास क्या बना यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड बना ठीक है ना एक्स हमारे पास क्या है यहाँ पर क्लोरीन गैस है वाई मत इसको मत कर देना बेसिकली एक्स हमारे पास क्या है यहाँ पर क्लोरीन गैस एंड इट रिएक्ट विथ अब इसको बेसिकली फर्दर रिएक्ट करा दिया किसके साथ लाइव वाटर के साथ तो क्या बनेगा हमारे पास टू फॉर्म में से वाई ब्लीचिंग पाउडर वाई ब्लीचिंग पाउडर की फॉर्मेशन आएगी अब इस केस में देखो बच्चों दो क्वेश्चन को मिक्सअप किया गया यहाँ पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लिए जिसको हम लाइव वाटर कहते हैं हमने यहाँ पर क्लोरिन गैस जो यहाँ से मिली हमें उसको एक्स कहते हैं अब इसकी रिएक्शन जब लाइव वाटर के साथ होगी तो हमारे पास क्या बनेगा सी ए और उसके साथ है ऑक्सीजन ओ और ये सी एल टू प्लस क्या निकलेगा वाटर मोलिक्यूल बाहर दिस इज ए कोल्ड इज ए कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड जिसको हम ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं एक्स हमारे पास क्लोरीन गैस वाई हमारे पास क्या बना ब्लीचिंग पाउडर बना नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर एट कि वाट हैपन कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास थ्रू इन दी लाइव वाटर क्या होगा जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस को आप पास करोगे किसके अंदर से लाइव वाटर के अंदर से अब लाइव वाटर हमारे पास क्या होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बेसिकली वट विल हैप्पन वेन एक्सेस ऑफ ए कार्बन डाइऑक्साइड इज पास थ्रू और तब क्या होगा जब एक्सेस मतलब लार्ज अमाउंट के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड को पास कर रहे हैं किसके अंदर से लाइव वाटर के अंदर से राइट द केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व तो आपने क्या लिखनी है केमिकल रिएक्शन को इसके अंदर लिखना है अब इस केस में देखिए सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल कि लाइव वाटर विल भी हमारे पास जो लाइव वॉटर होगा कि ट्रंस मिल्की ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ ए किसकी फॉर्मेशन आएगी हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट दिस इज ए इनसोलेबल इन वाटर ये क्या है बेसिकली इनसोलेबल है वाटर के अंदर तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हमारे पास क्या है लाइम वाटर ठीक है ना अब जब इसमें से हमने कार्बन डाइऑक्साइड को गुजारा तो हमारे पास क्या बना कैल्शियम सी ए सी ओ थ्री और प्लस क्या निकल गया वाटर मॉलिक्यूल डायरेक्ट रिएक्शन याद कर लेना नेक्स्ट इसके अंदर क्या लिखोगे कि वैन एक्सेस क्योंकि उसने पूछा है सेकेंड केस के अंदर यदि हम एक्सेस का मतलब है लार्ज अमाउंट के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं तो क्या होगा वेन एक्सेस अमाउंट ऑफ ए कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज़ पास्ट मिल्कनेस डिसअपियर तो इसमें क्या बना था मिल्कि बना था इसमें क्या होगी जो मिल्कनेस है बेसिकली वो डिसअपियर खत्म हो जाएगी कि ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ ए किसकी फॉर्मेशन आई हमारे पास कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की विच इज सोलेबल इन वाटर जो बेसिकली क्या है पानी के अंदर सोलेबल है अब ये दोनों की दोनों रिएक्शंस लर्न कर लेना तो हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर मोलिक्यूल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड को गैस गुजारा तो हमारे पास क्या बन क्या है कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा एग्जाम्स के लिए बिल्कुल याद रखना है आपने ये हमारे पास है लिमिटेड अमाउंट के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का पास करना यहाँ पर क्या है एक्सेस अमाउंट के अंदर लार्ज अमाउंट के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड को पास करना नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है इसके अंदर कि द सोइल इन ए फील्ड इज ए हाईली एसिडिक ये जो हमारे पास सोयल है फील्ड के अंदर यदि वो एसिडिक हो जाती है लिस्ट एनी टू मटेरियल आप कोई ऐसे दो मटेरियल का नाम बताइए कि विच कैन बी एडेड टू दिस सोयल जो हम उसको ऐड कर सके सोयल के अंदर टू रिड्यूज़ द एसिडिटी ताकि उसकी जो एसिडिटी है वो रिड्यूज़ हो सके गिव द रीज़न ऑफ फॉर योर फर्दर चॉइस तो आपकी आपकी क्या चॉइस होगी तो फर्स्ट ऑफ ऑल लाइम हमारे पास डाल सकते हैं लाइम का फॉर्मूला क्या है हमारे पास सी ए कैल्शियम ऑक्साइड कैन बी एडिड टू न्यूट्रलाइज द एसिडिटी ये न्यूट्रलाइज़ करेगा किसको बेसिकली एसिडिटी को सेकेंड इसके अंदर बेसिकली क्या यूज़ कर सकते हैं चौक जिसका फॉर्मूला हमारे पास है सी ए सी ओ थ्री कैल्शियम कार्बोनेट कहते हैं लाइम स्टोन चौक मार्बल इसका नाम बोला जाता है कि कैन आल्सो एडि टू न्यूट्रलाइज द एसिडिटी ये भी बेसिकली क्या करेगा न्यूट्रलाइज़ कर देगा जो हमारी सॉयल है उसकी एसिडिटी को न्यूट्रलाइज़ करने के लिए कि दिस इज़ बिकॉज कैल्शियम ऑक्साइड एंड कैल्शियम कार्बोनेट आर इन बेसिक इन नेचर जो हमारे पास कैल्शियम ऑक्साइड और कैल्शियम कार्बोनेट है ये बेसिकली किस नेचर के होते हैं बेसिक इन नेचर के विच न्यूट्रलाइज द एसिड प्रजेंट इन दॉइल तो सिंपल सा है बच्चों कि जो हमारे पास दो हमने यहाँ पर आपको कंपाउंड बताए कौन से कैल्शियम ऑक्साइड और कैल्शियम कार्बोनेट जो बेसिक नेचर के होते हैं जो न्यूट्रलाइज कर देते हैं एसिडिटी को जो हमारे पास सोइल के अंदर प्रजेंट करती है क्वेश्चन नंबर हमारे पास नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या फिर सोडियम बाई दो नेम है इसके कि इज़ ए बेसिक सॉल्ट इसको हम बेसिक सॉल्ट कहते हैं जस्टिफाई दि स्टेटमेंट हाउ इज़ इट कन्वर्टेड इन टू ए वॉशिंग सोडा एंड एक्सप्लेन आप सिंपल सा है क्वेश्चन को समझना है सबसे पहले कि जो हमारे पास सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है उसको बेसिक सॉल्ट क्यों कहते हैं उस स्टेटमेंट को जस्टिफाई कीजिए और कैसे हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं किसके अंदर वॉशिंग सोडा के अंदर तो एक्सप्लेन कीजिए तो इसका आंसर क्या राइट डाउन करोगे आप कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज़ ए साल्ट ऑफ ए सोडियम हाइड्रोक्साइड ये बेसिकली किसका साल्ट है सोडियम हाइड्रोक्साइड जो बेसिकली हमारे पास है स्ट्रॉन्ग बेस एंड कार्बोनिक एसिड जो हमारे पास है वीक एसिड इट इज़ ए बेसिक सॉल्ट इसलिए इसको हम क्या कहते हैं बेसिक सॉल्ट कहते हैं तो इसकी फर्दर आगे देखिए कि वैन ए बेकिंग पाउडर इज एडेड टू ए डो यदि हम बेकिंग पाउडर को ऐड करते हैं किसके अंदर डो के अंदर एंड फर्दर उसको हीट कर देते हैं कि सोडियम बाई कार्बोनेट डिकम्पोज किस में डिकम्पोज हो गई ये टू गिव ए कार्बन डाइऑक्साइड कि विच इज़ कॉज ऑफ ए केक एंड ब्रेड इज टू स्वेल तो ताकि वो ब्रेड और जो केक होते हैं उनको क्या कर देता है ये स्वेल कर देता है बिल्कुल फिला देता है अब इसकी हमारे पास जो इक्वेशन है कि दो मॉलिक्यूल्स हमने किसके लिए यहाँ पर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के एक्वस फॉर्म के अंदर उसको हमने हीट कर दिया तो हमारे पास क्या बना सोडियम कार्बोनेट एन ए टू सी ओ थ्री प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस क्या निकला हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल अब जो ये कार्बन डाइऑक्साइड है बेसिकली दिस इज ए ब्रिक एफ्रवी सेंस अब इस केस में अब इसी को हमने फर्दर सोडियम कार्बोनेट के अंदर टेन मोलिक्यूल ऑफ ए वाटर को ऐड कर दिया तो हमारे पास क्या बना वॉसिंग सोडा एन ए टू सी ओ थ्री डॉट टेन एच टू हो इसको हम क्या बोलेंगे सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट क्लियर है बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है ए एक गैस एक्स एक कोई गैस है बेसिकली एक्स जो रिएक्ट कर रही है किसके साथ लाइव वाटर के साथ एंड फॉर्म ए कंपाउंड वाई और कंपाउंड वाई की फॉर्मेशन दे रही है कि विच इज़ यूज एज ए ब्लीचिंग एजेंट कहाँ यूज़ कर रहे हैं उसको हम बेसिकली ब्लीचिंग एजेंट के रूप में इन ए केमिकल इंडस्ट्रीज आइडेंटिफाई एक्स एंड वाई आपने क्या आइडेंटिफाई करना है यहाँ से एक्स और वाई क्या है गिव द केमिकल इक्वेशन फॉफ दी रिएक्शन इन वर्ल्ड तो ऐसे ही जब क्वेश्चन आते हैं उनको आपने बिल्कुल अंडरस्टूड करना है उनकी अंडरस्टैंडिंग को समझना है तो देखिए इस केस में जो एक्स है हमारे पास वो किसके साथ रिएक्ट करा रहे हैं यहाँ पर लाइव वाटर के साथ अब एक्स हमारे पास क्या होगी क्लोरिन वाई हमारे पास क्या होगा बेसिकली ब्लीचिंग पाउडर अब इस केस में समझिए लाइव वाटर का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड अब इसके अंदर हमने क्लोरिन गैस डाली ठीक है ना जिसको हम एक्स बोल रहे हैं तो इससे किससे फॉर्मेशन आई है हमारे पास ब्लीचिंग पाउडर तो ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है सी ए ओ सी एल टू दिस इज़ ए कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड तो ये हमारे पास क्या बन गया वाई बन गया प्लस वाटर मोलिक्यूल यहाँ से बाहर निकल गया उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि विच बेस आर कोल्ड इज एल्कली कौन से बेस को हम एल्कलीस कहते हैं गिव एन एग्जाम्पल ऑफ ए एल्कलीस और आपने इसका एक एग्जाम्पल भी बताना ये वन मार्क्स क्वेश्चन है अब सोलेबल बेस जो हमारे पास सोलेबल बेस होते हैं आर कोल्ड इज ए एल्कलीज उनको आप क्या बोलते हो एल्कलीज बोलते हो एग्जाम्पल हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड और हमारे पास पोटासियम हाइड्रोक्साइड सोडियम हाइड्रोक्साइड को कास्टिक सोडा कहते हैं पोटासियम हाइड्रोक्साइड को कास्टिक पोटास कहते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है फ्रेश मिल्क हैज़ ए पी एच ओफे सिक्स कि वैन इट चेंज इन टू ए कर्ड मीन्स लाइक इज ए योगट कि विल इट्स पी एच वैल्यू इंक्रीज और इट डिक्रीज़ एंड वाई तो देखिए बच्चों हमारे पास काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो फ्रेश मिल्क होता है बेसिकली उसकी जो पी एच वैल्यू होती है पावर ऑफ हाइड्रोजन वो कितनी होती है सिक्स कि वैन इट चेंज इन टू कर्ड जब हम उसको दही के रूप में कन्वर्ट करते हैं वट विल बी द पी एच वैल्यू इंक्रीज तो उसकी जो पी एच वैल्यू है बेसिकली इंक्रीज़ होगी या फिर डिक्रीज होगी होगी तो क्यों होगी वट इज़ द रीज़न अब इसका आंसर क्या दोगे आप कि वेन ए मिल्क चेंज इन टू ए कर्ड जब मिल्क को हमने किस में चेंज किया कर्ड के अंदर चेंज किया इट्स पी एच विल बी डिक्रीज उसका जो पी एच वैल्यू है वो क्या हुआ डिक्रीज कि बिकॉज कर्ड्स कंटेन ए लैक्टिक एसिड कर्ड के अंदर क्या होता है लैक्टिक एसिड प्रजेंट करता है सो एच पॉजिटिव आयस कंसेंट्रेशन क्या होगी इस केस के अंदर हमारे पास इंक्रीज होगी तो दस पी एच वैल्यू विल भी क्या होगी बेसिकली डिक्रीज होगी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसके बाद क्वेश्चन नंबर फोर्टीन देखिए कि वट वुड हैपन बी द कलर ऑफ ए लिटमस इन ए सोल्यूशन ऑफ ए सोडियम कार्बोनेट अब सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है एन ए टू सी ओ थ्री अब इसका आंसर क्या दोगे आप कि कलर ऑफ ए लिटमस इन ए सोल्यूशन ऑफ ए सोडियम कार्बोनेट क्या होगा बेसिकली बच्चों ब्लू कलर का होगा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन काफ़ी इंपॉर्टेंट है बेसिकली एक्टिविटी टाइप में क्वेश्चन है ये ए स्टूडेंट ड्रॉप्ड फ्यू पीसेज ऑफ ए मार्बल इन ए डायल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड कंटेन इन ए टेस्ट ट्यूब्स द इवोल्ड गैस वॉज बी पास थ्रू इन दी लाइव वाटर एंड वट चेंज वुड बी दी ऑब्जर्व इन ए लाइव वाटर तो क्या हमें ऑब्जर्वेशन यहाँ से मिलेगी कि वट विल हैपन इफ ए एक्सेस ऑफ ए गैस इज पास थ्रू इन दी लाइव वाटर और क्या होगा जब हम एक्सेस अमाउंट के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस को पास करेंगे ये क्वेश्चन हमने फर्दर पीछे भी किया था पर यहाँ पर यह सेकेंड क्वेश्चन पुट कर दिया ऊपर तो हमारे पास क्या है बेसिकली मार्बल का फॉर्मूला होता है कैल्शियम कार्बोनेट इसको लाइमस्टोन भी बोलते हैं इसको चौक भी बोलते हैं केमिकल नेम हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट जब इसकी रिएक्शन आपने किसके साथ करा दी डाइल्यूट एच के हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ तो हमारे पास क्या बनेगा सी एस सी एल टू कैल्शियम क्लोराइड प्लस वाटर मोलिक्यूल प्लस क्या निकलेगी कार्बन डाइऑक्साइड अब यहाँ पर लिख दीजिए आप कि मार्बल इज़ ए कार कैल्शियम कार्बोनेट जो मार्बल है हमारे पास वो क्या है कैल्शियम कार्बोनेट एंड ऑन रिएक्टिंग विथ ये रिएक्टिंग किसके साथ करेगा बेसिकली एच सी एल अब रिलीज किसको कर रहा है यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड को अब इसी क्वेश्चन में पूछा कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको हम यदि पास करा देते हैं किस में से बेसिकली लाइम वाटर के अंदर से तो क्या होगा अब हमारे पास लाइम वाटर का फॉर्मूला क्या है यहाँ पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड तो हमारे पास क्या बन गया यहाँ से कैल्शियम कार्बोनेट जिसको हम वाइट प्रेसिपिटेट कहते हैं प्लस क्या निकला बच्चों यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल ये रिएक्शन प्रैक्टिस करके रिटर्न में क्या करनी है आपने बेसिकली वैसे तो आप भूल जाओगे इनको उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास कि लाइम वाटर ट्रन्स मिल्की ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ ए वाइट प्रेसिपिटेट जो हमारे पास लाइम वाटर है वो टर्न मिल्की हो गया किसकी वजह से ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ ए वाइट प्रेसिपिटेट ऑफ किसके बने हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट के ऑन पासिंग एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड यदि हम एक्सेस अमाउंट के अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास कर देते हैं तो मिल्कनेस क्या हो जाएगी डिसअपियर हो जाएगी ख़त्म हो जाएगी बिकॉज कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज फॉर्म तो उस केस में क्या बनेगा हमारे पास कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की फॉर्मेशन आएगी जो क्या है बेसिकली इज चीज़ें सोलेबल इन ए वाटर जो सब पानी के अंदर सोलेबल होगा अब हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट लिया प्लस वाटर मॉलिक्यूल इसमें से एक्सेस अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड गैस को पास कर दिया तो हमारे पास क्या बन गया कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो क्या है इज चीजें सोलेबल इन वाटर अब इस केस में क्या हो गया मिल्कनेस डिसअपियर हो गया क्लियर है क्वेश्चन ये नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ए सब्सटेंस एक्स यूज एज एन ए एंटा एसिड रिएक्ट विद ए हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू प्रोड्यूस ए गैस वाई विच इज यूज एज इन दुनियस फायर कहाँ यूज़ करते हैं इसको एस्टिंगस फायर के रूप में अब नेम दी सब्सटेंस एक्स एंड ए गैस वाई तो हमने यूज़ करना है बेसिकली सब्सटेंस एक्स और गैस वाई का अब राइट ए बैलेंस केमिकल इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन बिटवीन एक्स एंड ए हाइड्रोक्लोरिक एसिड तो देखो बच्चों ऐसे क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे जाते हैं बिल्कुल अंडरस्टूड क्वेश्चन है सारे सबसे पहले अपने क्वेश्चन को सबसे पहले समझना है क्या है कि सब्सटेंस एक्स है जो सब्सटेंस एक्स हमारे पास क्या है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जिसका फॉर्मूला हमारे पास क्या है एन ए एच सी ओ थ्री अब इस केस में इसको हम क्या बोलते हैं बेकिंग सोडा बोलते हैं दिस इज ए कॉमन नेम अब इसको कहाँ यूज़ करते हैं बेसिकली एंटा एसिड के रूप में यूज़ किया जाता है अब जब इसकी हम रिएक्शन कराएंगे किसके साथ हाइड्रोक्लोरिक के साथ एच के साथ तो हमारे पास क्या बनेगा देखिए एन एस सी एल प्लस एच टू सी ओ थ्री बाहर एन एच टू बाहर निकलेगा प्लस क्या निकलेगी बच्चों कार्बन डाइऑक्साइड अब यहाँ पर यह पूछा गया कि जो वाई है बेसिकली वाई कौन सी गैस फॉर्मड हुई तो वाई हमारे पास कौन सी निकली यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस जिसको हम ब्रिकवी सेंस कहते हैं नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर सेवनटीन कि व्हाट इज़ ए न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है गिवन एग्जांपल अब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन मैंने पहले भी आपको बताई थी कि हमारे पास की वो रिएक्शन ऑफ एन एसिड्स एंड बेस टू गिव्स इज ए सॉल्ट एंड वाटर जो हम स्ट्रोंग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस लेके चलते हैं तो किसकी फॉर्मेशन आएगी सॉल्ट प्लस वाटर की फॉर्मेशन आएगी तो एग्जाम्पल हमारे पास एच सी एल प्लस क्या लिया आपने सोडियम हाइड्रोक्साइड एन एच तो यहाँ से हमारे पास एच और इधर से बच्चों ओ OH, एच तो वाटर मोलिक्यूल बाहर निकला प्लस एन ए सी एल साल्ट की फॉर्मेशन यहाँ से आपको मिल गई नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर एटीन ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि ए येलोइस पाउडर एक्स गिव ए पंजेंट स्मेल इफ़ लेफ्ट ओपन इन एयर इट इज़ परपेयर बाय द रिएक्शन ऑफ ए ड्राई कंपाउंड वाई विद ए क्लोरीन गैस एक्स इज यूज फॉर ए कहाँ यूज़ करते हैं इसको डिसइनफिकेटेंट वाटर के रूप में आइडेंटिफाई एक्स एंड वाई राइट द रिएक्शन इन वॉल्ड तो देखो क्वेश्चन को समझिए सबसे पहले ए येलोइस पाउडर एक्स है जो गिव्स से किसको दे रहा है बेसिकली पंजेंट स्मेल इफ़ लेफ्ट इन ए ओपन इन एयर अब इस केस में देखो सबसे पहले जो हमारे पास कंपाउंड एक्स है वो क्या होगा ब्लीचिंग पाउडर ब्लीचिंग पाउडर हमने पहले भी आपको बताया था अब इस केस में कि वैन एक्सपोज इन एयर जब हम इसको बेसिकली एक्सपोज कर देते हैं सबसे पहले ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला बताइए कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड सी ए सी एल टू अब इस केस में वैन एक्सपोज इन एयर इट गिव्स ए पंजेंट स्मेल ऑफ ए क्लोरिन तो किसकी स्मेल देगा ये हमारे पास पंजेंट स्मेल देगा क्लोरिन की अब ब्लीचिंग पाउडर इज परपेयर बाय पासिंग अब ब्लीचिंग पाउडर की फॉर्मेशन कैसी आती है तो इसको देख लीजिए कि ब्लीचिंग पाउडर इज परपेयर बाय पासिंग क्लोरीन अब इसमें से क्या कर रहे हैं क्लोरीन को पास कर रहे हैं ओवर ए ड्राई स्लेक लाइम एंड हैंस इज कॉल्ड इज़ ए हमारे पास क्या बनेगा स्लेक लाइम अब देखिए बेसिकली बच्चों हमारे पास ये क्या है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जिसको हम स्लेक लाइम कहते हैं अब इसमें ये सॉलिड फॉर्म में है तो स्लेक लाइम यदि लिक्विड फॉर्म में लेंगे तो हमारे पास लाइम वाटर बन जाएगा अब ये वाई है जब इसमें से हमने क्लोरीन गैस को पास किया तो हमारे पास एक्सटांस निकला दिस इज ए कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड इसको हम ब्लीचिंग पाउडर बोलेंगे प्लस वाटर मोलिक्यूल यहाँ से निकलेगा अब जो ब्लीचिंग पाउडर है दिस इज ए जर्म साइड ये हमारे पास क्या जर्मी साइड्स है देर फॉर इट इज़ यूज कहाँ यूज़ करते हैं इसको डिसिग्निफिकेशन ऑफ ए वाटर के रूप में इसका यूज़ किया जाता है क्लियर हो गया ये क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि मेटल कंपाउंड ए रिएक्ट विद ए डायल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू प्रोड्यूस ए एफ्रीविसेंस द गैस रिवॉल्व एस्टिंगस इन ए बर्निंग कैंडल राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन इफ वन ऑफ द कंपाउंड फॉर्म इज ए कैल्शियम क्लोराइड तो देखो बच्चों ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम्स में ऑलरेडी आ चुका है कि हमारे पास कोई मेटल कंपाउंड ई है जो रिएक्ट कर रहा है किसके साथ बेसिकली हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ और वो किसकी फॉर्मेशन देगा एफ्रीशेंस एफ्रिशेंस मैंने अभी बताया था आपको कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन अब जो गैस ईवॉल्ड इन्हें और जो गैस जो निकलेगी हमारे पास वो गैस कहाँ यूज़ करते हैं बेसिकली आग बुझाने के लिए ठीक है ना कि राइट ए बैलेंस केमिकल इक्वेशन आपने क्या लिखनी है बैलेंस केमिकल रिएक्शंस लिखनी है अब इस केस में कि मेटल कंपाउंड ए इज ए कैल्शियम कार्बोनेट सी ए सी ओ थ्री एंड द गैस इज ईवॉल्ड जो गैस निकलती है हमारे पास वो कौन सी निकलेगी कैल हमारे पास कार्बन डाईऑक्साइड सी ओ टू कि द रिएक्शन इज इनवॉर्ट जो रिएक्शन बनेगी हमारे पास वो क्या बनेगी कैल्शियम कार्बोनेट प्लस एच सी एल अब इस केस में क्या बन गया सी एस सी एल टू हमारे पास कैल्शियम क्लोराइड प्लस वाटर मॉलिक्यूल निकल गया एच टू ओ प्लस क्या निकला कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन डाईऑक्साइड हमारे पास कहाँ यूज़ करते हैं बेसिकली एसटीन बर्निंग कैंडल्स के लिए यूज़ किया जाता है तो ये इसका बेसिकली आंसर रहेगा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि व्हाट इज़ ऑब्जर्व व्हेन इट टू एम एल ऑफ ए डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड अब आपने क्या ऑब्जर्वेशन लेनी है यहाँ से कि टू एम एल ऑफ ए डायल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड कर रहे हैं वन ग्राम ऑफ ए सोडियम कार्बोनेट के अंदर टेकन इन क्लीन एंड ए ड्राई टेस्ट यू राइट द केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन इन वॉल्ड अब देखिए इस केस में क्या है हमारे पास सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल कि वेन टू एम एल ऑफ ए हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड किसमें ऐड कर दिया वन ग्राम ऑफ ए सोडियम कार्बोनेट के अंदर टेकन इन दी क्लीन एंड ए ड्राई टेस्ट ट्यूब अब ब्रिक एफ्रेशेंस ब्रिक एफ्रेश का मतलब कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन टू प्रोड्यूस ड्यू टू द एवल्यूशन अपेक्षा किसकी एवोल्यूशन आई यहाँ पर बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड गैस की अब हमारे पास सोडियम कार्बोनेट लिया हमने सोडियम कार्बोनेट कितना है बेसिकली वन ग्राम टू ग्राम हमारे पास क्या है हाइड्रोक्लोरिक एसिड तो क्या निकलेगा इसके अंदर एन ए सी एल निकलेगा प्लस वाटर मॉलिक्यूल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन यहाँ से हमारे पास निकल जाएगी नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन काफ़ी बार एग्जाम्स में ऑलरेडी आ चुका है व्हाट विल हैपन क्या होगा कि वैन ए नाइट्रिक एसिड इज एडिड टू ए एग सेल कि जब हम बेसिकली नाइट्रिक एसिड को ऐड कर देते हैं किसके साथ एग सेल्स के साथ अब इस केस में एग सेल इज ए मेनली मेड ऑफ पेपे किसका बनाया बेसिकली बच्चों में कैल्शियम कार्बोनेट का सी एस सी ओ थ्री का कि वैन ए नाइट्रिक एसिड इज एडिड टू ए एग सेल जब हम बेसिकली नाइट्रिक एसिड को ऐड करते हैं एग सेल के साथ तो कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट विद एट एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज़ ए तो कौन सी गैस इवॉल्व होगी यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस तो देखो कैल्शियम कार्बोनेट को किसके साथ ऐड कर दिया आपने बेसिकली नाइट्रिक एसिड के साथ ये हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता है जो हमारे पास एक्सेल का जो आउटर कवरिंग पार्ट होता है उसके अंदर प्रेजेंट करता है अब जब ये रिएक्शन करेगा नाइट्रिक एसिड के साथ तो हमारे पास किसकी फॉर्मेशन आएगी कैल्शियम नाइट्रेट की सी ए एन ओ थ्री का ट्वाइस प्लस वाटर मॉलिक्यूल प्लस क्या निकलेगी कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन यहां से आपको मिल जाएगी नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास एट वट पी एच इन दी माउथ इज ए टू टिके फास्टर एंड वाई अब देखिए इस केस में क्वेश्चन को आपने समझना है बेसिकली बच्चों सबसे पहले पी एच की बात करते हैं पावर ऑफ ए हाइड्रोजन या फिर कंसंट्रेशन ऑफ ए हाइड्रोजन आयंस इन दी माउथ ऑफ ए टूथ डिके फास्टर एंड वाई कि वेन ए पी एच लेवल इज द माउथ जो हमारे माउथ का पी एच लेवल होता है बेसिकली वो कितना होता है फाइव पॉइंट फाइव यदि हमारे पी एच लेवल माउथ का वो कम हो जाए किससे फाइव पॉइंट फाइव से तो कोस किसका बनेगा टूथ डिके का इसकी इस केस में कि एट दिस पी एच लेवल ओवर माउथ इनेमल स्टार्ट डिजोल्विंग अब इस केस में क्या होंगे इनल जो हमारे पास होते हैं दाँतों के अंदर वो क्या होंगे बेसिकली बच्चों कोरोड्स लगना स्टार्ट हो जाएगा उनके अंदर कॉज ऑफ है क्या बनेगी कैविटी कि दिस इज़ आल्सो लेट्स टू द ग्रोथ ऑफ ए बैक्टीरिया इन और माउथ तो हमारे माउथ के अंदर क्या होगा बैक्टीरिया बेसिकली प्रोड्यूस हो जाएगा इस केस में नेक्स्ट हमारे पास यदि बात करें इसके अंदर क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी थ्री कि वट इज़ ए बेकिंग पाउडर कि बेकिंग पाउडर क्या होता है एंड हाउ डज़ इट मेक द केक सॉफ्ट एंड ए स्पॉन्जी कि ये कैसे केक को सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी बनाता है अब इसका आंसर देखिए कि बेकिंग पाउडर इज ए मिक्सचर ऑफ एक किसका मिक्सचर है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का या फिर हम इसको क्या बोलते हैं सोडियम बाई कार्बोनेट एंड एनी इडेबल एसिड इडेबल मीन्स कौन सा होता है जो हमारे खाने के लायक होता है अब लाइक इज ए टारटेरिक एसिड ऑन हीटिंग जैसे ही हम इसको हीट करते हैं इट डिकम्पोज किसके अंदर डिकम्पोज हो जाएगा ये इट गिव्स ए कार्बन डाइऑक्साइड हमारे पास किसकी फॉर्मेशन रहेगा कार्बन डाइऑक्साइड कि विच मेक द केक सॉफ्ट एंड ए स्पॉन्जी जो बेसिकली केक को क्या बना देती है सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी अब इसकी रिएक्शन देखिए सबसे पहले सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट लिया उसको आपने हीट कर दिया तो हमारे पास क्या बना एन ए टू सी ओ थ्री प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर मोलिक्यूल अब ये हमारे पास है सोडियम कार्बोनेट ये हमारे पास क्या है सोडियम बाई कार्बोनेट अब जो ये सोडियम कार्बोनेट हमारे पास आया इस प्रोड्यूस इन ए बिटर इन टेस्ट ये इसका जो टेस्ट होगा बेसिकली वो क्या होगा बिटर इन टेस्ट इडेबल एसिड लाइक इज ए टाटेरिक एसिड प्रजेंट इन ये किसमें प्रजेंट करता है बेसिकली बेकिंग पाउडर के अंदर न्यूट्रलाइज किसको न्यूट्रलाइज करेगा ये सोडियम कार्बोनेट एंड अवॉइड दी बिटरनेस और बेसिकली किसको अवॉइड करता है ये बिटरनेस को अवॉइड करता है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फोर कि ए मेटल कार्बोनेट एक्स हमारे पास एक मेटल कार्बोनेट एक्स है ऑन रिएक्टिंग विद वो किसके साथ रिएक्ट कर रहे हैं यहाँ पर एसिड्स के साथ गिव ए गैस विच वैन पास थ्रू इन दिस सोल्यूशन वाई तो हमारे पास कौन सी गैस देगा वाई देगा गिव द कार्बोनेट बैक ऑन दी अदर हैंड तो यदि वो बेसिकली देखो इस केस में कार्बोनेट की फॉर्मेशन भी बैक दे रहा है वापिस कि अब इस केस में ए गैस जी दैट इज ऑपटेनड एज अब इस केस में जो गैस जी है हमारे पास वो ऑप्टेंड कहाँ पर हो रही है एट ए नोड पे ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिस ऑफ ए ब्राइन इज पास थ्रू इन ए किसमें से पास कर रहे हैं ड्राइव वाई के अंदर से इट गिव्स ए कंपाउंड जेड और किसकी फॉर्मेशन देगा कंपाउंड जेड की यूज़ फॉर ए डिसइनिफिकटेंट ड्रिंकिंग वाटर कहाँ यूज़ करेंगे उसको बेसिकली डिसइनिफिकटेंट ड्रिंकिंग वाटर के रूप में आइडेंटिफाई एक्स वाई जी एंड जेड तो आपने क्या आइडेंटिफाई करना है एक्स वाई जी एंड जेड अब देखो क्वेश्चन को बच्चे सबसे पहले समझिए कोई मेटल कार्बोनेट एक्स है तो मेटल कार्बोनेट हमारे पास क्या है सी एस सीओ थ्री अब उसको रिएक्ट किसके साथ करा दिया आपने एसिड के साथ एसिड हमने कोई भी ले लिया यहाँ पर एच सी एल ले लिया जब इसकी रिएक्शन इसके साथ हुई तो हमारे पास क्या बना कैल्शियम क्लोराइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस क्या निकला वाटर मॉलिक्यूल डन हो गया यहाँ पर उसके बाद कि पास थ्रू इन एस सोल्यूशन वाई गिव्स दी कार्बोनेट बैक और वाई हमारे पास क्या है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है ठीक है ना अब जब ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन कराते हैं तो हमारे पास क्या देगा ये वापस कार्बोनेट देगा दिस इज ए कैल्शियम कार्बोनेट सी ए सी ओ थ्री प्लस क्या निकलेगा वाटर मॉलिक्यूल वाई तो क्या बना हमारे पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जिसको हम लाइम वाटर बोलेंगे उसके बाद नेक्स्ट वो क्या कह रहा है कि ए गैस जी दैट इज ऑपटेन एट ए एनोड ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ए ब्राइन जब हमने बेसिकली ब्राइन की इलेक्ट्रोलिस कर दी तो कौन सी गैस फॉर्मड हुई हमारे पास एनोड पे वो हुई बच्चों क्लोरिन गैस जो क्लोर एल्कली प्रोसेस के अंदर हमने किया था तो इस केस में जो थर्ड रिएक्शन हमारे पास बनेगी तो ये क्या है हमारे पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब रिएक्टन किसके साथ करा दिया क्लोरीन के साथ जी के साथ तो हमारे पास क्या बना कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड जेड हमारे पास क्या बन क्या है यहाँ पर कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड दिस इज ए ब्लीचिंग पाउडर प्लस क्या निकला वाटर मॉलिक्यूल तो ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम्स में आते हैं 100 परसेंट तो इनको आपने बिल्कुल रिटर्न में प्रैक्टिस करनी है ज़्यादा से ज्यादा बोर होकर नहीं करना आपने बिल्कुल रिटर्न में कीजिए अंडरस्टैंडिंग सबसे इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास आइडेंटिफाई द कंपाउंड एक्स ऑन द बेसिस ऑफ ए रिएक्शन गिवन बिलो आल्सो राइट द नेम एंड ए केमिकल फॉर्मूला पे ए बी सी अब आपने इस केस के अंदर कोई कंपाउंड यह आपको टेबल दे रखी है बेसिकली अब इसकी रिएक्शन हम बेसिकली किसके साथ करा रहे हैं पहले जिंक के साथ सेकेंड एच सी एल के साथ थर्ड हम किसके साथ करा रहे हैं एसिटिक एसिड के साथ तो हमारे पास क्या बनेगा ए बी सी बनेगा और यहाँ पर हाइड्रोजन गैस है इस केस में वाटर मॉलिक्यूल है इस केस में भी वाटर मोलिक्यूल है अब आपने बताना है कंपाउंड एक्स क्या होगा और ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है एक्स हमारे पास क्या होगा बेसिकली बच्चों सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसका फॉर्मूला एन ए ओ एच अब इस केस में जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन जिंक के साथ कराएंगे तो हमारे पास क्या बनेगा सोडियम जिंकेट एन ए टू जेड एन ओ टू प्लस क्या निकलेगी हाइड्रोजन गैस निकलेगी बाहर जब हम एन एच की रिएक्शन एच सी एल के साथ कराएंगे तो हमारे पास क्या बनेगा इस केस के अंदर दिस इज ए सोडियम क्लोराइड एन ए सी एल हमारे पास क्या बनेगा एन ए सी एल प्लस क्या निकलेगा वाटर मॉलिक्यूल इसको हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलेंगे यदि हम बेसिकली नेक्स्ट रिएक्शन किसके साथ करा दें एन की एसिटिक एसिड के साथ ये हमारे पास क्या है एसिटिक एसिड सी एस थ्री सी ओ एच तो हमारे पास क्या आप मिलेगा दिस इज ए प्रोडक्ट के रूप में सी एस थ्री सी ओ ओ नेगेटिव एन ए पॉजिटिव दिस इज ए सोडियम एसीटेट प्लस क्या निकलेगा वाटर मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन इस केस में बाहर निकल जाएगी तो ये क्वेश्चन भी आपने बहुत अच्छे तरीके से करना है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है प्लास्टर ऑफ ए पैरिस शुड बी स्टोर्ड इन ए मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर कि जो प्लास्टर ऑफ पैरिस होता है उसको हम बेसिकली स्टोर मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर के अंदर क्यों करते हैं एक्सप्लेन द रीजन अब इसका आंसर क्या दोगे आप कि प्लास्टर ऑफ ए पैरिस पी ओ पी शुड बी स्टोर इन ए मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर बिकॉज इट रिएक्ट विद किसके साथ रिएक्ट कर जाता है ये बेसिकली वाटर मॉइस्चर के साथ टू फॉर्म इज ए हार्ड सॉलिड मास इज नोन एज ए जिप्सम तो किसकी फॉर्मेशन देगा ये जिप्सम की अब हमारे पास प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला क्या होता है कैल्शियम सल्फेट हैमीहाइड्रेट सी ए एस ओ फोर एंड हाफ एच टू ओ अब जब हम इसकी वन एंड हाफ ऑफ वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं तो किसकी फॉर्मेशन आएगी हमारे पास जिप्सम की सी ए एस ओ फोर डॉट टू मोलिकुलोपे वाटर दिस इज़ ए हार्ड मास ये हमारे पास क्या बन गया हार्ड मास जिसको हम जिप्सम बोलते हैं अब नेक्स्ट है हमारे पास कि नेम दिस सब्स्टांस के विच ऑन ट्रीटमेंट विद ए क्लोरिन एल्ड ब्लीचिंग पाउडर उस सब्सटेंस का नाम बताइए बेसिकली जो ट्रीटमेंट करता है किसके साथ क्लोरीन के साथ एल्ड ऑफ ए ब्लीचिंग पाउडर जो किसकी फॉर्मेशन देगा ब्लीचिंग पाउडर की अब इस केस में जो इसका आंसर लिखोगे आप कि वैन ए ड्राई स्लेक लाइम और ए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज ट्रीटेड विथ किसके साथ ट्रीटेड कर दिया हमने क्लोरीन गैस के साथ कि वी गेट ए ब्लीचिंग पाउडर तो हमें क्या मिलेगा यहाँ से ब्लीचिंग पाउडर तो हमारे पास क्या है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्लोरीन के साथ रिएक्शन कराई तो क्या बना कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड प्लस वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल गया तो ये हमारे पास क्या है दिस इज ए ब्लीचिंग पाउडर ये क्वेश्चन भी नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है कि वाटर ऑफ ए क्रिस्टलाइजेशन इज द फिक्स नंबर ऑफ ए वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन ए वन फॉर्मूला यूनिट ऑफ ए सॉल्ट तो ये हमारे पास डेफिनेशन रहेगी वाटर ऑफ ए क्रिस्टलाइजेशन अब यहीं पर एक क्वेश्चन बनता है बेसिकली कि वाई आर हाइड्रेटेड हमारे पास जो हाइड्रेटेड है क्या होगा ये बेसिकली और एनहाइड्रस सॉल्ट क्या होगा कि दीज आर ए सर्टेन सॉल्ट इन विच द वाटर इज ऑफ ए क्रिस्टलाइजेशन आर प्रजेंट कि किसी भी सोल्ट के अंदर बेसिकली वाटर प्रजेंट करता है उसको हम बेसिकली क्या बोलेंगे हाइड्रेटेड अब इस केस में सच ए सोल्ट आर नोन एज ए हाइड्रेटेड सोल्ट अब यदि हम बात करें इसके अंदर एनहाइड्रस की कि इन दी अदर हैंड सम सोल्ट आर ए एनहाइड्रस यदि कोई भी सोल्ट बेसिकली क्या है एनहाइड्रस वाटर ऑफ ए क्रिस्टलाइजेशन आर एबसेंट जिसके अंदर बेसिकली पानी प्रेजेंट नहीं करेगा उसको हम क्या बोलेंगे एनहाइड्रस अब एग्जाम्पल देखिए हमारे पास हाइड्रेटेड सोल्ट के क्या हैं कॉपर सल्फेट फाइव मोलिक्यूल ऑफ ए वाटर दिस इज़ ए ब्ल्यू विट्रॉयल जिसको हम हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट कहते हैं नेक्स्ट हमारे पास है फेरस सल्फेट दिस इज ए हमारे पास एफ एस ओ फोर डॉट सेवन एच टू ओ ग्रीन विट्रॉयल उसके बाद यदि हम बात करें एन ए टू सी ओ थ्री डॉट एन एच टू और दिस इज ए हमारे पास हाइड्रेटेड सोडियम कार्बोनेट ये वेट फॉर्म में है उसके बाद यदि एग्जाम्पल की बात करते हैं तो एग्जाम्पल हमारे पास एनहाइड्रेटिस सोल्ट के क्या होंगे एनहाइड्रेटिज सोल्ट ऑफे कॉपर सल्फेट सी एस ओ फोर एनहाइड्रस ऑपे फेरस सल्फेट हमारे पास एफ ई एस ओ फोर अब इसमें आपने एक पॉइंट को नोट करना है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स के लिए कि कॉपर सल्फेट क्रिस्टल की विच सीम्स टू तो बी ड्राई कंटेन ड्राई ड्राई कंटेन वाटर ऑपे क्रिस्टलाइजेशन कि वैन वी हीट इन दी क्रिस्टल दिस वाटर इज रिमूव एंड द सॉल्ट इंस्टेंस इज ए वाइट वो किस कलर का बन जाएगा बेसिकली वाइट कलर का जब हम उसको कॉपर सल्फेट को हीट करते हैं अब हमारे पास कॉपर सल्फेट को हीट करने के लिए इसकेस के अंदर इसके इसके देखिए सी यू एस ओ फोर डॉट फाइव मोलिकूलों पे वाटर को हीट किया तो हमारे पास क्या बन गया कॉपर सल्फेट प्लस फाइव मोलिकूलों पे वाटर बाहर निकल गए तो ये फॉर्म हमारे पास क्या निकल के आई यहाँ पर दिस इज़ ए एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट वाइट कलर का तो क्लियर हो गया क्वेश्चन सभी आपके लिए